बलूचिस्तान में अब एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो गई है। यहाँ की टैलेंटेड ख़वातीन को मैं समझती हूँ कि आगे आना चाहिए, क्योंकि मुझे एक तासुर दिया जाता था कि बलूचिस्तान में ख़वातीन को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। तो आई थिंक आज का दिन और ये जो स्पेशली हमारे यहाँ सेलिब्रेशन की जा रही है, ये एक ख़ास मैसेज है उन ख़वातीन के लिए कि नहीं, आपको आगे आने का मौका दिया जा रहा है, आप आगे आएँ, अपना टैलेंट दिखाएँ। मैं बलूच ख़वातीन को स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी ये सोच करके वो एक स्पेयर पार्ट है घर के किसी कोने में उनको रहना चाहिए नहीं। मैं उनसे ये कहूँगी कि अपने जद्दे अमजद चाकर खान के दौर से अगर देखा जाए तो बानड़ी ने या हानी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बलोच सोसाइटी में, तो दे हैव टू आल्सो प्ले देयर रोल। उनको अपना एक रोल प्ले करना है और उनको बाहर आना है बलोचिस्तान में स्पेशली, क्योंकि ख्वातीन को मद्देनज़र रखा जाता है जहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है। तो इस हवाले से जो इतना बड़ा इवेंट करवाया गया है यहाँ पे तो पेंट में ख़वातीन के आलमी दिन के हिसाब से, तो ये एक अच्छा जो है ना पहलू है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इससे मस्बत जितनी भी ख़वातीन हैं उन्हें देखकर जो है ना पता लगता है कि यहाँ के भी टैलेंट की कमी नहीं है बलूचिस्तान में, जहाँ की ख़वातीन भी बहुत कुछ कर सकती हैं जो बाकी ख़वातीन कर सकती हैं। सब इकट्ठे हुए हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जो टैलेंट्स हैं हमारे बीच में उनको उभरना चाहिए। तो थ्रू इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के हम जो हमारे टैलेंट्स जो है वो आगे आते हैं, सामने आते हैं। मेरे ख्याल से ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में से एक चीज़ है जो सपोर्ट कर सकती है हमारे उन ख़राब ताल्लुकात को, और मेरा ख्याल हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल हमें इनकरेज करना चाहिए।